Hello everyone, this is Chia, today exploring Campus Law Center of Faculty of Law in Delhi University. Let's go! Guys, काफ़ी अजीब सा माहौल लगा, अलूफ सा, मुझे किसी ने रोका नहीं एंट्री करने के लिए, तो मैं भी चली आई कैंपस के अंदर और मैंने देखा ये खूबसूरत पुरानी सी बिल्डिंग और बहुत सारा ग्रीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बट ऑब्वियसली एक पुराने ज़माने टाइप का है, बहुत नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पहली जगह जो मैंने कवर की वो एक मूड कोर्ट हॉल था, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है लेकिन एविडेंस है कि सीएलसी में मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं। देन देयर वॉज दिस लीगल एड सोसाइटी रूम जो बंद था, तो मैं बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर पाई, लेकिन अगेन एविडेंस कि लीगल एड कैंप्स भी लगते होंगे बाय कैंपस लॉ सेंटर। जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन है इस पूरी बिल्डिंग का, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं SBI के काउंटर्स के जैसे बहुत सारे काउंटर्स हैं, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं विद द एडमिशन एंड अदर्स। ऑब्वियसली इस पुरानी सी बिल्डिंग को देख के, ग्रीनरी को देख के मुझे तो बॉलीवुड की याद आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड किसी चीज़ को सही पोर्ट्रे करे ना करे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे करता है। जो मैंने फर्स्ट टर्न लिया वहाँ से मुझे ऑडिटोरियम बिल्डिंग दिखी और वो इतनी ह्यूज थी कि मैं काफ़ी एक्साइटेड थी देखने के लिए कि इतना बड़ा ऑडिटोरियम कैसा दिखता होगा। एंड देन मैं अंदर जाती हूँ और मुझे दिखता है कि इट इज़ नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड, मतलब इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो कितना बड़ा हॉल है, दिस कुड बी यूज्ड फॉर सच ग्रेट थिंग्स, बट नहीं, यहाँ का फसाद बहुत बढ़िया क्रिएट करके रखा है, बहुत खूबसूरत है बाहर से कोई भी बिल्डिंग, बट अंदर से सारी ही जगह बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड लगी मुझे। यू टेक द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स और यहाँ लिखा हुआ है कि कैंपस लॉ सेंटर की लाइब्रेरी आने वाली है ऑन द सेकेंड फ्लोर, एंड यू गो ऑन। ये एरिया आपको दिख ही रहा होगा कितना बेकार सा है, मेंटेन्ड नहीं है, आई एम नॉट लविंग इट एट ऑल। जो वॉशरूम्स थे वो भी बिल्कुल भी सैनिटरी नहीं थे, दे वर नॉट इवन यूजेबल, काफ़ी बेकार लगा यहाँ आकर। जब मैं फर्स्ट फ्लोर पे आई तो मुझे ऑडिटोरियम का एक सेकंड लुक दिखा जो कि ये है, एंड आप देखिए कितना बुरी तरीके से मैनेज्ड है ये जगह, यहाँ पे फालतू की चीज़ें बस स्टोर करके रखी हैं एज इट्स जस्ट अ स्टोर रूम। एंड आई वॉज एक्चुअली टेकन अबैक कि अथॉरिटीज़ इससे बहुत बेहतर कर सकती हैं विद कैंपस लॉ सेंटर। फाइनली गाइज, हम कैंपस लॉ सेंटर की लाइब्रेरी तक पहुंच गए हैं, एंड ऑब्वियसली इतना बड़ा, इतना ह्यूज है सब कुछ, तो लाइब्रेरी भी बहुत ह्यूज थी। पढ़ने की व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, सबको इंडिविजुअल टेबल्स जो क्यूबिकल्स तरीके के होते हैं वो मिलते हैं, एंड लुक एट पीपल स्टडिंग हियर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफ़ी मन लगता होगा पढ़ाई में। बट आप एक पॉइंट पे पहुँचते हो जहाँ पे आपको बुक्स देखनी होती है, बुक्स लेनी होती है, और आप देख सकते हो बुक्स की क्या हालत की हुई है, मतलब इट वॉज़ वेरी वेरी बैड। मैंने आज तक इतना बुरा लाइब्रेरी का फंक्शन देखा नहीं था, ऑर्गेनाइजेशन देखा नहीं था, मैनेजमेंट इज़ नॉट एट ऑल पेइंग एनी अटेंशन टूवर्ड्स द ब्यूटिफिकेशन और इवन सैनिटेशन ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स। आई एम स्लोइंग इट डाउन फॉर यू। यहाँ क्लास में एंटर करके अच्छा लगा, क्योंकि पहली जगह जो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज थी, वाइट बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा रहा था, आप देख सकते हैं टेबल चेयर वगैरह भी अच्छे से रखा हुआ है, एंड वेंटिलेशन बहुत बढ़िया था, दो एग्जिट्स हैं, काफ़ी सारे विंडोज़ हैं, तो लाइट की कभी प्रॉब्लम नहीं होती होगी। हाँ जी, बिल्कुल पकड़ लिया मैंने अपना पहला वक्रा फॉर द पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट आने वाला है, सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। गाइज, मैंने थोड़ी सी शैतानी की और चलती हुई क्लास का एक छोटा सा वीडियो निकाल लिया, बट आई स्वेयर मैंने किसी को भी डिस्टर्ब नहीं किया। क्लास डिसमिस हुई थी जिसकी वजह से पूरा लॉबी भर गया था, दिस इज़ द टीचर जिनको चेज कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फॉर डाउट्स एंड ऑल। ये वाटर कूलर था, वाटर कूलर के आसपास का एरिया बहुत अनसैनिटरी था, पानी पीने लायक नहीं होता होगा यहाँ का। अब मेरा चेहरा देख ही गया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and stay tuned.
गाइस, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भीड़ होना बनता है, लेकिन इतनी भीड़ का मतलब होता है मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की कमी। हाँ जी, सो पकड़ लिया मैंने भीड़ में से ये चमकता सितारा, जो कि मेरे पॉडकास्ट का सेकंड स्टार होने वाला है। यस, एंड हम इस पॉडकास्ट में कवर करने वाले हैं लाइफ एट कैंपस लॉ सेंटर, कैसे एडमिशन लिया जाता है एंड इसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, या कैसे प्लान करना चाहिए किसी को अपनी लाइफ विथ एन LLB डिग्री एट फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। मेरी जांच पड़ताल के हिसाब से कैंपस लॉ सेंटर के सामने इतना ट्रैफिक अक्सर लगा ही रहता है। हाँ दोस्तों, अलविदा कहने आई हूँ, वक्त हो गया है जाने का, बट लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।